मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में बल्लभगढ़ खंड के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में बल्लभगढ़ खंड के ग्रामों के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिनकी आय 18 लाख से कम है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार की माने तो चार तरह की योजनाओं के तहत ग्रामीणों को आज यहां सम्मानित किया गया। उनकी माने तो जहां आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंतिम पंक्ति के परिवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। बल्लभगढ़ खंड के विभिन्न गांवों से यहां 299 रजिस्टर्ड हो चुके परिवार यहां सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकेंगे। साथ ही इस मेले के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। प्रदीप कुमार जी, आज कार्यालय में एक मेला आयोजित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? जैसा ही कि आपको विदित है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो लाभार्थी आज खंड बल्लभगढ़ के जितने भी गाँव हैं उनके जो लाभार्थी हैं जिनकी इनकम 180 से कम है जी, उनको यहाँ बुलाया गया है। सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं ताकि इन लाभार्थियों को डिपार्टमेंट की विभिन्न स्कीमों का लाभ दिया जा सके। इसमें ऋण योजनाएं भी दिखाई गई हैं, कुछ पशुपालन के लिए भी जी। इसमें चार तरह की योजनाएं हैं। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है कौशल विकास और चौथा है स्वयं सहायता समूह। ये सभी विभागों की स्कीम है, बेसिकली इन चार कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हमने एक काउंसलिंग डेस्क रखा हुआ है जिसमें कि लाभार्थियों को किस उनके लिए बेस्ट फिट कौन सी योजना है जिसकी तरह से वो अपना परिवार की इनकम बढ़ा सकते हैं वो उन्हें सजेस्ट की जाती है, फिर उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट के काउंटर पे डायरेक्ट किया जाता है जहाँ पे उन्हें विस्तार से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और यहाँ बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, तो जिनको लोन वगैरह की आवश्यकता है उनका लोन का प्रोसेसिंग का कार्य भी किया जा सकता है। वीडियो पे साहब, खंड से कितने गाँवों के युवा और ज़रूरतमंद लोग यहाँ आ सकते हैं? आज 299 फैमिलीज जो हमें सिस्टम में पुश की गई है, तो 299 फैमिलीज हमने कल इनको सभी को फ़ोन भी कराए हैं ग्राम सचिव के माध्यम से, इनको पैम्पलेट क्या उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं जी। ये जो परिवार पहचान पत्र जिन लोगों ने बनाया है उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, ये सारा डेटा उसी डेटाबेस से लिया गया है। उस डेटाबेस में जिन व्यक्तियों की आय कम थी, जो 1 लाख से कम है, उन व्यक्तियों का चयन किया गया है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। तो उनकी इनकम की जाँच की गई थी? इनकम वेरिफिकेशन जी, लोकल कमिटीज़ वगैरह हैं उसमें इनकम वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन भी किया गया है।